हेलो जय, बोलो। हमें वीर को बचाना पड़ेगा। क्या बकवास कर रही हो, पागल हो गई हो? मेरी पूरी बात तो सुन लो। या वीर बेहोश हो गया है और उसका बाप मुझ पर इल्जाम लगा रहा है। शक कर रहा है मुझ पर कि ये सब मैंने किया है। हाँ तो क्या कर लेगा वो, छोड़ दो घर। पागल हो गया, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? कबूतरों के घर में नहीं रही हूँ, चीलों के घर में रह रही हूँ। कहीं भी छुप जाऊँ मिनटों में खोज निकालेंगे ये मुझे। पानी गई है मंदिर कोई जड़ी बूटी लाने, तुम भी जाके प्लीज उसे। शराब आदि नागिन, इसी दिन की प्रतीक्षा कर रहा था मैं। मुझे भोलेनाथ पर पूरा विश्वास था कि वो ऐसा जरूर करेंगे। प्रणाम पंडित जी। धन्य हो प्रभु, इतिहास का लेखा सच में बदल गया। जी पंडित जी, और ऐसे कि आप सोच भी नहीं सकते, मुझे आपकी मदद की जरूरत है पंडित जी। नागफनी के जहर को मिटाने के लिए मुझे जड़ी बूटी की जरूरत है। अवश्य, किंतु हुआ क्या है, जहर से किसे बचाना है? इच्छाधारी चील को। चील को? अगर कोई और होता तो मैं उस इच्छाधारी चील को बचाने का कारण अवश्य पूछता, परंतु मैं आदि नागिन और नाग से कोई प्रश्न नहीं कर सकता। वहां उस तरफ उस गमले में है वो जड़ी बूटी, परंतु ध्यान रहे वो पानी के संपर्क में ना आने पाए, अन्यथा उसका प्रभाव खत्म हो जाएगा और वो जड़ी बूटी किसी की जान नहीं बचा पाएगी। चलिए। यहाँ तो हर जहर के लिए जड़ी बूटी है। ये लो, ये है नागफनी के जहर को मिटाने वाली चिचुड़ा बूटी, शुष्क रूप में। लेकिन याद रहे इसे पानी से बचाना। हाँ, चिचुड़ा की यहाँ पे सिर्फ एक ही जड़ी बूटी है? जी हाँ, ये आखिरी पौधा है इस जड़ी बूटी का इस नाग मंदिर में। चलिए। पंडित जी, पंडित जी तो यहाँ कहीं भी नहीं है, लेकिन हर शहर को काटने वाली जड़ी बूटियां वो यहीं रखते हैं। ये भी नहीं है। मिल गई। आदि नागिन रुको, वो असली जड़ी बूटी नहीं है। नहीं रुको आदि नागिन, चली गई। धोखेबाज, क्यों किया तूने ये सब? मैं अभी जाकर सब कुछ उसको बता दूंगा और ये असली जड़ी बूटी उस तक पहुंचाऊंगा। छोड़ो इसे,
मैं कहता हूँ छोड़ो, मैं कहता हूँ छोड़ दे, अभी जाके इसको बताता हूँ। ये क्या हुआ पंडित? ये तो जड़ी बूटी पानी में गिर गई, अब ये किसी काम की नहीं है, तो बेकार हो गई। क्यों किया तूने ये? नहीं यार पंडित, अभी तक तूने मुझे खुद कहा था आते हुए कि इतिहास बदल चुका है। सच है पंडित, सत्युग में तुम्हारी आदि नंगी की परछाई बनना, उसके पीछे चलना मुझे मंजूर था। उस युग में जो जगह, जो दर्जा मुझे मिली, उससे मैं खुश था। कलयुग में मैं इतना महान नहीं हूँ पंडित, इसलिए जो कुछ भी मुझे नहीं मिला मैं उसे छीन लूंगा। मैं अपना इतिहास खुद लिखूंगा पंडित। धोखेबाज, तू अपनी किस्मत लिखेगा? इतिहास का लिखा बदलेगा तू? अरे मूर्ख, इतिहास लिखने वाला वो एक ही है, वो सृष्टि का रचयिता भोलेनाथ। सिर्फ वो जानता है आगे क्या होने वाला है, शायद तेरा विनाश भी उसने लिख दिया है, इसलिए तेरी मति भ्रष्ट हो गई है। तूने आदि नागिन से धोखा किया। एक सेकेंड यार पंडित, भागी जा रहे और डॉन, मैं तो अभी तक उसी बात पे अटका हूं। क्या कहा था तुमने? कि भोलेनाथ सब जानते कि क्या होने वाला। रियली? हाँ, सब जानते। तो क्या वो ये भी जानते हैं कि क्या कर रहे? छोड़ दो मुझे, क्या कर रहे? छोड़ दो मुझे। बताया कि तुम मेरे हाथों मरने वाले हो? नहीं बताया। असली धोखा तो इसे कहते हैं पंडित। नहीं का मतलब क्या है तुम्हारा? कहाँ मिलेगी वो जड़ी बूटी? अरे पापा, मैंने ऑनलाइन भी सब जगह चेक की लेकिन कहीं नहीं मिल रही थी। हम इसे और कहीं से मंगा भी नहीं सकते। बिल्कुल सर, चिड़चिड़ा जड़ी बूटी सिर्फ नाग मंदिर में है, और हम उस मंदिर में तब तक नहीं जा सकते जब तक कोई हमें वहां बुलाए ना। तो इसका मतलब क्या है? मैं मरने दूं अपने बेटे को ऐसे ही, ये उस लड़की के ऊपर छोड़ दूं कि वो जड़ी बूटी लेकर आएगी? अगर उसे वो जड़ी बूटी नहीं मिली तो मिल गई। जड़ी बूटी मिल गए। कैसे मिली तुम्हें जड़ी बूटी? ये सब बताने का टाइम नहीं है। ये लड़की उस मंदिर तक कैसे पहुंची? शुक्ला हसन मैडम, बड़े पापा कैसे भी पहुंचे हो, एटलीस्ट वो ले आई ना। बस कैसे भी करके वीर भाई ठीक हो जाए, और हमें कुछ नहीं चाहिए। मानी, थैंक गॉड तुम आ गई। तुम्हें पता है चेस्ट पे लगाना है। मैं बाहर ही हूं, मेरी जरूरत पड़े तो मुझे बुला लेना, ठीक है? इसलिए कि मैं तुम्हें बिना लड़े मारना नहीं चाहती। तुम जैसे निहत्थे और कमजोरों पे हम वार नहीं करते, इसलिए बचा रही हूँ मैं तुम्हें। अपनी आंखें खोलो, होश में आओ। इस जड़ी बूटी का असर तुम्हें तुरंत होना चाहिए। खोलो अपनी आंखें। इतना सुना डूबे हैं, फिर अभी तक उठा क्यों नहीं? उसकी आवाज क्यों नहीं आई? थोड़ा शांत रहे। मेरा बेटा अंदर मर रहा है और तू कह रहा है कि मैं शांत हो जाऊं? किसने किया है ये? जिसने भी किया है मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, जान से मार दूंगा उसे। अरे कोई देखो, अंदर हो क्या रहा है? वीर, ये
मुझे फिर इतनी देर क्यों लग रही है? ये जड़ी बूटी तो मैं सही जगह से लाई थी और ये सही लगाई भी है मैंने, फिर इसका ये हाथ इतना ठंडा और शरीर इतना नीला क्यों पड़ रहा है? पानी अंदर हो कह रहा है वो डैडी जी, वीरांशु धीरे धीरे ठीक हो रहे, बस थोड़ी देर और। हे भगवान, मैं क्या करूं, इसे कैसे ठीक करूं, ऐसा क्या करूं जो हे भोलेनाथ, आज मैं अपने दुश्मन को बचाने के लिए अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करने जा रही हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप मेरे हालात को समझेंगे और मुझे मेरी गलती के लिए माफ करेंगे। शरीर में नागफनी का जहर है और जहर को जहर ही काटता है। मैं आदि नागिन हूं और मेरा जहर दुनिया के हर जहर को बेअसर कर सकता है।